क्विक एंड इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडाज़ी किचन। आज मैं बना रही हूँ चिकन जिंगर। ये बहुत आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं थाई के पीसीज, उनके दरमियान में से जो हड्डी है वो मैंने निकाल ली है और दो पीसीज मैंने रखे हैं आपको दिखाने के लिए। अगर आप लोग हड्डी जो है वो निकालना नहीं चाहते तो आप हड्डी के साथ भी थाई के पीसीज को जो है बना सकते हो क्रम्स वाला, ये बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से भी। और बोनलेस अगर आप ले रहे हो हड्डी के बगैर तो फिर भी बहुत अच्छा बनता है ये। तो चलिए इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें एक लीमू का रस, ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। अदरक पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लिया मैंने रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी कम मैंने लिया चाइनीज सॉल्ट और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया सॉल्ट। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1/3 कप दूध। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और मसाले भी इसके अंदर अच्छी तरह से चले जाएं। और अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं 3 घंटों के बाद। ये देखिए 3 घंटे हो गए हैं, हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक बाउल ली है और 1 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। आपने खुला बर्तन लेना है ताकि आप आसानी से इसमें कोटिंग कर सके चिकन की। 1/2 कप मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून तकरीबन मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। विस्क के साथ मिक्स करने से सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। मैदा हमारा भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हम इसे साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है, ये फुल ठंडा पानी है, आपने फुल ठंडा पानी लेना है। अब दोबारा से हम अपने चिकन को मिक्स करेंगे। अब हम इस तरह से एक चिकन के पीस को उठाएंगे, इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसमें डिप करेंगे मैदे वाले बाउल में, अच्छी तरह से इसके ऊपर मैदा डाल के इसको हाथों से इस तरह से दबाएंगे ताकि ये अच्छे से क्रम्स बन जाए। तो देखिए इस तरह से आपने इस तरह से दबाना है, ये देखिए इस तरह से हम शेक करेंगे। अब हम इसे आइस वाले पानी में डिप करेंगे इस तरीके से और निकाल के फिर से इसमें ऐड करेंगे। अब फिर से हम इसे मैदे वाली बाउल में डाल देंगे और अच्छी तरह से हाथों से हम इसे दबा लेंगे। तो इस तरह से हम शेक करेंगे, ये देखिए कितने अच्छे से क्रम्स बने हैं। अब हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और बाकी के भी सारे इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने थोड़ी देर पहले पोटैटो चिप्स जो है वो फ्राई की है, अब मैं इसी ऑयल में चिकन को फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम आपने हाई पे रखना है जब आपने चिकन डालना है। चिकन डालने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम पे कर देना है ताकि चिकन भी हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, अंदर से अंदर तक पक जाए और जो हमारा वो ऊपर क्रम्स है वो भी अच्छे से बन जाए। अब हम चम्मच से इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल डालेंगे इस तरह से, इसके साथ बहुत ही क्रिस्पी
चिकन जो है वो रेडी होता है। अब हम इसे मीडियम आंच पे पकने देंगे। तो ये देखिए चिकन हमारा कितने अच्छे से पक चुका है, ये अंदर तक बहुत अच्छा सा पक गया। तो इसके क्रम्स देखिए कितने क्रंची से बने हैं। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे इस तरीके से, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसके अंदर से निकल जाए। इसी तरह से हम बाकी सारे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार KFC स्टाइल चिकन जिंगर तैयार है। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग बनाएंगे तो आपको KFC किससे भी ज़्यादा ये मज़े का लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फूडाज़ी किचन को सब्सक्राइब करें। दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।